सिटी के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित 1144 एकड़ भूमि पर कब्जे का विरोध कर रहे किसानों पर पुलिस प्रशासन द्वारा की गई लाठीचार्ज एवं दमनकारी नीति से किसानों को मारा पीटा गया था। नागरिक एकता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल व राष्ट्रीय अध्यक्ष शमीम खान पहुँचे, शंकरपुर सराय गांव में किसानों से मुलाकात की और किसानों को आश्वासन दिया कि आप लोगों की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, अगर किसान दाता ही नहीं करेंगे तो पूरी ही दुनिया में अनाज कौन पैदा करेगा, अगर ऐसा ही करना है तो तुम लोग सिर्फ अपने ही लिए किसानों व खेती करो, देखो फिर कैसे पूरी दुनिया क्या खाएगी। वहीं नागरिक एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद समीर खान ने बताया कि हम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भी देंगे और आप लोगों की न्याय की लड़ाई भी लड़ेंगे। वहीं जब एक गांव व पीड़ित किसान ने बताया कि बीते दिनों हम लोगों को बहुत ही मारा पीटा था और पानी के फव्वारा डाला व गैस के फव्वारा डालकर हम लोगों को भगाया, फिर उसके बाद लाठी डंडे से मार मार कर बुरी हालत कर दिया। वहीं एक और शंकरपुर सराय गांव के किसान ने बताया कि 2014 में रामचांद के प्रबंधक भरत के नाम से 2,67,400 रुपए की 2 चेकें दी गई थी, लेकिन मामला फंस जाने से हम लोगों को कोई भी एक पैसा आज तक नहीं मिल पाया। इस संबंध में कई बार जिलाधिकारी के पास कई बार मुलाकात करने के लिए गए, लेकिन कभी भी नहीं मिल सके हम लोगों से जिलाधिकारी। अब बस हम लोग यही चाहते हैं कि हम किसानों को न्याय मिलना चाहिए। मिला था और उसके बाद ये जो जमीन जो टैक्स वाली थी तो उसके बाद हम लोगों सबको बाद में बुलाया गया, टैक्स वालों को पहले वो दिया गया जमीन का, उसके बाद टैक्स वालों को बुलाया गया तो हम लोगों को बताया गया कि ऐसा है कि 15 दिन के बाद कि आप चेक लगाना, तो हम 15 दिन के बाद जब यहाँ ये लोग कब्जा करने लगे तो 15 दिन के बाद हम लगाया, तो नॉट पेमेंट दोबारा आप गए वहाँ पर कभी अपनी चेक को लेकर कि हमारा पैसा नहीं मिला तो क्या बताया? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप वहाँ गए ना, यहाँ यहाँ अधिकारियों से कहा तो कहें कि आप डीड दिखाइए, डीड यहाँ किसी के पास नहीं है, जो जितनी भी जमीन गई जो लोग हम लोगों जैसे है कि जैसे कुछ मुकदमे चले, हम ननिहाल में हैं तो हम लोगों को कुछ मालूम नहीं, और वहाँ ढुलाया गया तो वहाँ कुछ मिला नहीं। शुरुआत में आपको यूपीएसआईटीसी ने चेक दी थी? हाँ? ये चेक आपको यूपीएसआईडीसी ने शुरुआत में दी थी? शुरुआत में। कितने दिन हो गए अब तक इस चेक को बाउंस हुए हुए जब आप ये पैसा आपको नहीं मिला? लगभग 2014 में थी। और तब से एक भी पैसा वापस नहीं मिला आपको? क्या बताया गया आपको? यही बताया गया कि आप वो दिखाइए। आपके फिर और कितने लोग होंगे, कितने किसान है जिनका चेक? कितने के लोग हैं? मातम के सो है हमारे यहाँ, अफवान के सो है, उनका पेमेंट नहीं हुआ? किसी तो नहीं हुआ, ये टेस्ट वाले हैं। हाँ, टेस्ट वाले हैं, उनका नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो पहले कैसे आपको चेक दे देगी उन लोगों ने? चेक उन्होंने ये दे दिया, देने के बाद वो पता नहीं किस हिसाब से दिए, देने के बाद लगा दिया बांड मोड़ लगा दिया पेमेंट। अब आप डीएम के पास मिले इस मामले में लेकर? जिलाधिकारी किसी से मिले आप? कोई मिला ही नहीं। ठीक है, किसानों के साथ घटना हुई है, किस नजरिए से इसको देखते हैं और क्या इस पे कहेंगे? देखिए, हम तो यहाँ पे आए हैं, आज मिले हैं जो बाबा हैं, इनके साथ में मैं खड़ा हुआ हूँ, और जिस मैं समझता हूँ कि अगर किसानों ने कोई गलती की थी या अगर उनकी कोई मांग ऐसी थी जो सरकार नहीं मान सकती थी तो आराम से समझा बुझा के ये बात को निपटाया जा सकता था, लेकिन एक विकलांग आदमी है जिनको पुलिस ने इतनी बेरहमी से मारा है, मुझे लगता है कि बड़े दुर्भाग्य की बात है। और हम तो यहाँ के किसानों से अपील करके जाना चाहते हैं कि किसान ये डिसाइड कर लें कि हम 2 साल खेती नहीं करेंगे, और खेती करेंगे तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करेंगे। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की सरकार, प्रदेश की सरकार को समझ में आ जाएगा कि किसान कितना इम्पोर्टेंट होता है, किसान क्या है। जो अन्नदाता है, अगर आज अन्न उगाना बंद कर दे तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भूखा मरने लगेगा अगर 2 साल अन्न ना उगाए, और किसान ये सोच ले कि खाली मुझे सिर्फ अपने लिए उगाना है। और मुझे लगता है कि ये वक्त आ गया है और किसानों को इस ओर आंदोलन छेड़ देना चाहिए। हम हिंदुस्तान के किसानों पे अगर कोई जुर्म जाती होगी तो हम लोग खड़े हैं, और चूंकि मैं इसी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, मैं कहीं बाहर था मुझे पता चला, तो आज हम लोग इस गाँव आए हैं, और जो हुआ वो बहुत गलत हुआ।